अश्विन सब साथ हुआ है, अंधेरा भी होने वाला है और बारिश भी चालू हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं महेश राठौड़ फिर से स्वागत करता हूँ हमारे वीडियो में। આસેન ઓલા બ્લેક ઓલા આસેન સ્ટીલ ના ઓલા એમાં લગાડી વરસાદ આવવાનો જ છે, હું આપણે વરસાદ નું કેતા હતા આ ઊંધું નથી થયું ને, ના જાઓ તે ક્યાં હતો બોલી વાત टेंट कंप्लीट लग चुका है और अब हम बनाएंगे खाना, क्योंकि अंधेरा हो उससे पहले खाना बना लेते हैं, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा बाद में। हमारे पास लाइट की इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं है, एक छोटी सी लाइट है लेकिन उसमें साज इतना लंबा टाइम नहीं चलेगा, तो खाना पहले बना लेते हैं, बाद में अंधेरा हो जाए तो खाना खा के आराम से सो जाए। और बारिश भी देखो, बादल भी आ गए कितने बड़े बड़े, तो कभी भी बारिश भी हो सकती है। इधर बना देखो, अश्विन भाई ला रहे पत्थर और बना रहे सुला। हम बनाने वाले हैं काठियावाड़ी देसी दाल और खिचड़ी। दाल खिचड़ी खाने में बहुत ही मजा आता है, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, और कैसे बनती है वो भी आपको हम दिखाएंगे। तो फिलहाल उसका काम चल रहा है जो चूल्हा, और देसी चूल्हे पे बनाएंगे और देसी तरीके से बनाएंगे। हमारे पास गैस का चूल्हा भी है, उसके ऊपर भी बनाएंगे लेकिन दाल बनाएंगे हम ये देसी चूल्हे पे। तुम्हारे टेंट का आसपास का कुछ ऐसा नजारा है, चारों तरफ भरे भरे खेत है। देखो ये मूंगफली के खेत, टमाटर देखो, ये टमाटर 260 का किलो है, अभी कितना आया है 80 रुपये का सिर्फ जो 5 टमाटर आए हैं। तो हमें जो खिचड़ी और दाल बनाने वाले हैं उसके सब मसाले आप देखो, सब इतनी सारी चीज़ है तब जाके स्वादिष्ट खिचड़ी बनती है, और इसमें भी बहुत सारे अभी मसाले बाकी है। तो ये शैलेश भाई जो बहुत ही स्वादिष्ट खिचड़ी बनाते हैं, वो सचिन भाई देखो क्या कहना है आपका, बहुत मज़ा आने वाला है। से तो घणो वस्तु पण साको एक छे। ये मसाले सारे रेडी हो चुके हैं, इतने सारे मसाले की ज़रूरत पड़ती है काठियावाड़ी मसाले दाल के लिए, तो बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाली है। और यहाँ देखो ये खूबसूरत नज़ारा है, यहाँ खाने का मज़ा भी बहुत आने वाला है। और देखो मौसम भी बहुत ही खूबसूरत है, बादल है, बारिश भी हल्की हल्की बूंदें गिरती है कभी कभी, वो हैवी बारिश भी हो सकती है।
बारिश साली हो चुकी है और हमें थोड़ी दिक्कत आएगी ये खिचड़ी बनाने में। तो बारिश तेज हो चुकी है और चालू बारिश में हमारी खिचड़ी बन रही है और अंधेरा भी होने वाला है। बारिश चालू हो गई है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और अभी हम अंदर और खाना बनाने का बाकी है और अंधेरा भी हो रहा है। तो सब साथ हुआ है, अंधेरा भी होने वाला है और बारिश भी चालू हो चुकी है। तो देखते हैं कैसे बनते हैं हमारा खाना। तो अभी हम टेंट के अंदर है और अश्विन भाई दूसरी जगह पे, और टेंट में एक प्रॉब्लम है कि यहाँ से पानी गिर रहा है। देखो टेंट के अंदर पानी गिर रहा है, इसमें पानी गिर रहा। तो वो प्रॉब्लम तो पहले हमें पता नहीं था, लेकिन अभी जो टपक टपक पानी गिर रहा और बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है, हमारी खिचड़ी भी बाहर बन रही है, चूल्हे पे है, क्या पता चूल्हा बुझ जाए या बन जाए। तो वो भी मैं बाहर दे, तो बारिश थोड़ी कम हो चुकी है तो इतनी बारिश हो रही है, इधर बन रही है हमारी खिचड़ी। और फिलहाल बारिश रुक चुकी है तो हमने टेंट के बाहर निकले हैं अभी। तो बारिश की वजह से सब जगह पे कीचड़ हो चुका है, टेंट के अंदर जाते तो भी पग बिगड़ा है, साफ नहीं होता, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो खिचड़ी बन चुकी है, देखो ऐसी बनी है। और एक प्रॉब्लम यही है कि दाल तड़का बनाने के लिए दूसरा बर्तन नहीं है, तो पहले इसको खाली कर देंगे, उसके बाद इसमें हम दाल तड़का बनाएंगे। देखो ऐसे बन रही है, एकदम अंधेरा है चारों तरफ और एक लाइट के उजाले पे हम बना रहे हैं अब दाल। और ये सारे इसके मसाले देखो। तो हमारा टेंट देखो, और पूरे अंधेरे में हम ऐसे बना रहे, लेट हो गए और बारिश भी हुई थी, इसलिए अभी थोड़ा टाइम बहुत ज़्यादा निकल गया। और हमारा खाना तैयार हो चुका है। देखो ये खिचड़ी, काठियावाड़ी मसाला खिचड़ी, और ये दाल देखो बहुत ही स्वादिष्ट होगी ऐसा लग रहा है, मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि भूख भी बहुत लगी है। और देखो चारों तरफ अंधेरा, हमारे पास एक लाइट है और बाकी देखो दूर दूर तक अंधेरा अंधेरा।
लींबू थोड़ूक नाखू डाय केम लागे अब सोने का टाइम हो चुका है। देखो अब इतना खा खा के नींद आ रही है, ऐसा बोल रहे हैं अश्विन भाई। स्पेशल काठियावाड़ी मसाला दाल खिचड़ी तो खाने का बहुत ही मज़ा आया, बहुत ज़्यादा खा लिया है और अब आ रही है नींद। सोने का टाइम है लेकिन थोड़ी देर बैठते हैं उसके बाद सो जाएंगे। देखो सबको नींद आ रही है, अश्विन भाई भी सो रहे हैं और बाहर देखो कुछ ऐसा नज़ारा है, एकदम अंधेरा अंधेरा। हमारे पास एक लाइट है और हमारा टेंट बहुत बड़ा है, देखो तीन लोग तो आराम से सो सकते हैं। गुड मॉर्निंग, एक प्यारी सी खूबसूरत सुबह हो चुकी है। तो रात भी में बहुत लेट सोए थे तो अभी आ रही थी बहुत नींद, तो अभी सुबह के 6:30 बजे है तो उठने का मन नहीं कर रहा था लेकिन उठना तो पड़ेगा। तो सुबह का नज़ारा भी बहुत खूबसूरत है, चारों तरफ बर्ड्स की आवाज़ आ रही है और शैलेश भाई तो उठ के बाहर निकल चुके हैं तो हम भी बाहर जाते हैं और सुबह का नज़ारा देखते हैं। देखो अश्विन भाई सो रहे, सबसे पहले उठे थे और सबको उठा दिया और बाद में वो सो गए सादर उठ के। देखो अभी भी सो रहे हैं। अश्विन तो बता, तो था वो बंद था ना, तू वो बता ना। बर्तन साफ कर रहे हैं, देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं। देखो कैंपिंग कैसे होती है, देखो
इतनी मेहनत लगती है। अब बनाएंगे सुबह का नाश्ता, भूख लगी है, और बनाएंगे मैगी। तो हमारे शैलेश भाई देखो सब्जियां काट रहे हैं, और अश्विन भाई गए बर्तन धोने के लिए, और मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो देखो शैलेश भाई अभी काट रहे हैं सब्जी, प्याज काट रहे हैं। और पूरी रात जो मैं इधर सोए थे, बहुत अच्छी नींद आ गई। एक अच्छी बात तो वही हुई कि बारिश नहीं हुई इतनी, क्योंकि बारिश आज क्या पता टेंट में कोई फॉल्ट आ गया है, यहाँ से पानी अंदर गिर रहा था। देखना, चेक करना पड़ेगा पानी अंदर कहाँ से घुस रहा था। तो हमने पहले तो यूज़ किया था, कभी पानी नहीं गिरा, लेकिन थोड़ी बारिश आई फिर भी अंदर पानी जा रहा था। तो ज़्यादा बारिश नहीं हुई तो अच्छा हुआ, वरना तो पूरा टेंट पानी से भर जाता। और सोने का मज़ा भी बहुत आया, बहुत देर नाइट तक जागे थे। ये देखो ढेर है, उसके ऊपर बैठे थे, लगभग 3 बजे तक बैठे, उसके बाद सोए थे। तो बहुत ही मज़ा आया। तो फिलहाल अभी सुबह का नाश्ता बनाते हैं। देखो मकाई भी हम लाए थे, और मकाई भी हम पकाएंगे और खाएंगे, तो सब मज़ा लेने वाले हैं। तो अभी दोनों तरफ नाश्ता चालू हो रहा है, देखो दोनों तरफ नाश्ता बन रहा है, इस तरफ मैगी और मकाई। मैगी तैयार हो चुके है, अब हम खाने का मजा लेंगे। और ये ढेर है उसके ऊपर बैठ के खाएंगे, वहाँ बैठ के मजा आएगा, क्योंकि चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देख रहा है। तो वहाँ ऊपर जाके हम खाएंगे। देखो यहाँ का खूबसूरत नज़ारा, चारों तरफ हरियाली हरियाली है, और पंछी की आवाज़ आ रही है। तो आप देखिए चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। तो हम यहाँ मैगी खाने का मज़ा लेने वाले हैं। देखो मैगी बन चुकी है, और मैगी खाने का ही मज़ा अलग है। इधर से हम देखो चारों तरफ ये नज़ारा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, सब्सक्राइब कर लो, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।